लावा ब्लेज 5G एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपना डायल पैड टोन को आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले तो आपको जो है अपने फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है, और यहाँ पर जो है सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड साउंड का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो है आपको नीचे की साइड में आना है, और यहाँ पर आपको डायल पैड टोन्स का ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसके सामने वाले बटन को आपको जो है सेलेक्ट करना है, और ये डिसेबल हो जाएगा। अब ये सेटिंग जो है डिसेबल हो चुकी है। अब ये सेटिंग डिसेबल होने के बाद जो है किस तरीके से काम करती है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको ये फ़ोन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि कॉल लॉक का, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप कभी भी इस डायल पैड पे आप कभी भी नंबर ऐसे डायल करेंगे, तो आपके इस डायल पैड में से कोई भी टोन की आवाज़ नहीं आएगी किसी भी तरीके की। तो इस तरीके से आप जो है अपने लावा ब्लेज 5G एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने डायल पैड टोन को आप ऑफ डिसेबल कर सकते हैं। तो ज़रूर करके देखिएगा।